नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनवीर। मैं स्वागत करूँगा सबका टिपिकेशन का नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो 50 के मैचेस है, इंडिया 50 और पाकिस्तान 50 के अंदर होने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में मैं स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो पहले जो दो 50s हुए हैं, जो न्यूजीलैंड 50 और वेस्ट इंडीज़ 50, दोस्तों इन 50 के जो टीम्स है दोस्तों आप लोग देख सकते हो लगभग कमाल कर दिए। कैप्टन आप लोग देख सकते हो 172 पॉइंट, वाइस कैप्टन थोड़ा सा कम है, लेकिन सारे के सारे स्मॉल लीग हम लोग जीत गए। आप भी इसी तरह जीतना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के बटन वीडियो के नीचे है लाल कलर के, उसको दबाना होगा। उसके साथ साथ एक घंटिया करके बेल आइकन आएगा दोस्तों इसी तरह, तो उसका भी दबाना होगा ताकि मैं जब वीडियो डाल दो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब बटन आपने दबा दिया होगा, तो यार प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब के बटन दबा दो। तो उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया 50 और इंग्लैंड 50 के जो मैचेज है दोस्तों, इस मैच में भी थोड़ा सा अच्छा पॉइंट रहा है, लेकिन जो पॉइंट है दोस्तों उतनी अच्छी नहीं। लेकिन सारे के सारे मैचेस भी जीत गए दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हो कैप्टन 104 और वाइस कैप्टन 91.5। दोस्तों थोड़ा सा अच्छा ही है लेकिन उतनी मजबूती नहीं है, क्योंकि ये जो विकेट कीपर है ये 0 है, ये -2 है, -3 है, 0 है, 0 है दोस्तों इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट से सारे के सारे मैचेस जीत गए क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस है दोस्तों। तो उससे पहले अगर बात करें, आपने सब्सक्राइब के बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दो, क्योंकि ये जो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे मैच हम लोग जीत रहे हैं, सारे के सारे, लगभग एक भी मैच नहीं आ रही हूँ, सारे के सारे। ये आप लोग देख लो सारे के सारे मैच जीत रहे हो, सारे के सारे, सारे के सारे। आप भी जीतना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और कल के जो मैचेस है दोस्तों, वो मैं गेम जी पे खेला था, पाकिस्तान जो PSL का लीग थे वो लगभग 200 पॉइंट से जीत गए, तो उसका तो स्क्रीनशॉट मैं डाल दिया। जो ऑनलाइन मनी है टेलीग्राम चैनल दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो। लगभग 150 से 200 पॉइंट से जीत गए दोस्तों। तो आप भी जीतना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैं आ गया हूँ जो टीम्स है प्लेयर लिस्ट उसके अंदर। पहले अगर बात करें तो हमीद है दोस्तों विकेट कीपर की तरफ से, थोड़ा सा अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। दोस्तों इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन अब थोड़ा सा मजबूत है, इसलिए बुमराह जो है दोस्तों माइनस हो गए थे। लेकिन मेरा पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस मैच में बुमराह थोड़ा सा अच्छा कर सकता है, लेकिन आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं स्मॉल लीग में बिल्कुल इसको पिक नहीं करने वाला हूँ, तो ग्रैंड लीग में बुमराह आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है। आज के मैच में जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन इसके बाद बात करें तो तीनों के ऑप्शन बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल मत पिक करना। तो एस आली भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार पाकिस्तान के तरफ से पिक होने वाले हैं दोस्तों, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। एस बेरी भी आपके लिए बहुत ही शानदार पिक हो सकता है, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं अरशद हयात के साथ जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान के तरफ से एक टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। उसके बाद अगर बात करें तो पी सिंह आपके लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाले हैं दोस्तों। पी सिंह को मैं इस वक्त पिक कर रहा हूँ दोस्तों। इस बेरी जो है दोस्तों आप लोग इसको लेने में मत भूलिएगा, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा मजबूत थे, पाकिस्तान उतनी मजबूत नहीं है इंडिया के सामने, तो लेना तो बनते ही है। मैं लेने की कोशिश करूँगा, चलिए एंड तक देखते क्या होते हैं। ऑलराउंडर की बात करें तो आई खान जो है दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन होने वाले है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करें तो जवेरी जो है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। कजमी को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है दोस्तों। तो उसके बाद अगर बात करें तो इतनी सारी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, सारे के सारे बिल्कुल बुरा ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं इसको लेने की नई कोशिश करूँगा। तो जवेरी को मैं इस वक्त सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी कुछ पॉइंट दे देते हैं, तो फ़ायदा तो ही हो जाते हैं ना। तो बॉलिंग ऑप्शन की अगर बात करें तो अरोरा आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत है कि
बॉलर होने वाले दोस्तों, तो इसको मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट। उसके बाद कनंडे वाला जो है दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार पीक हो सकता है इंडिया की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो क्रुएशी है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार पीक होगा। और उसके बाद अगर बात करें तो भाई त्रहार जो है दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार पीक होने वाला है 8 क्रेडिट में। तो मैं खंडाला को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कंदाला थोड़ा सा मजबूत बॉलर है दोस्तों, अच्छे पेस है इसके पास, तो मैं ले रहा हूँ कंदाला को। तो मेरे पास अभी भी 9.0 क्रेडिट बचे, मैं और बॉलिंग नहीं लूँगा क्योंकि 50 ओवर के मैच है और इस मैच में बहुत ही सारे रन देखने को मिल सकते हैं, लगभग 200 से आसपास के 200+ भी रन बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं एक बैट्समैन जो बेरी है, इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग चाहते हो तो बेरी के जगह पे ये जो क्रोएशी है दोस्तों, इसको ले सकते हो, लेकिन आज विकेट उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ जो बेरी के साथ। तो टीम को मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ये हामिद जो है कैप्टन वाइस कैप्टन है, बिल्कुल अच्छे पे नहीं है। वाइस कैप्टन के रूप में आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्क रहेगा। पी सिंह आपके लिए वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही शानदार पिक रहेगा, और ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन के एक अच्छा पिक रहने वाले हैं। तो मैं बात करें तो आई खान के साथ मैं आज कैप्टन जाने वाला हूँ, एक मजबूत बैट्समैन है दोस्तों, इसके साथ कैप्टन, और एस आली के साथ वाइस कैप्टन, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया एस आली जो है पाकिस्तान के तरफ से एक बहुत ही मजबूत बैट्समैन है दोस्तों, आपके लिए आज 50 से 60+ स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए बात, आप लोग जा सकते हो इसके साथ वाइस कैप्टन के रूप में जवेरी, और जो कजमी है दोस्तों इसके साथ वाइस कैप्टन के रूप में, क्योंकि ऑलराउंडर है दोस्तों। ऑलराउंडर को आप लोग ग्रैंड लीग में कैप्टन बना के रिस्क ले सकते हो, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। तो कजमी को आप लोग एक टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टन रूप में कंडला के साथ एक टीम में जा सकते हो ग्रैंड लीग के। और ऊपर चले तो ये जो वाइस कैप्टन के रूप में, ये कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा पिक होने वाले है दोस्तों, और एस बेरी भी आपके लिए कैप्टन के लिए एक बहुत ही शानदार पिक होने वाला है दोस्तों। अच्छा एक बैट्समैन है, भले वो पहले दिन -3 पॉइंट दे दिए, लेकिन अच्छे ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए। तो ये हो गए टीम्स के बाद, टीम्स को मैं कर लेता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखते हैं कैसे टीम बने हमारा दोस्तों। टीम बहुत ही अच्छे बने हैं, जो हमिद है ये विकेट कीपर है, पी सिंह, एस बेरी, एस अली और अशरद, ये हो गए बैट्समैन की बात। कैप्टन सॉरी वाइस कैप्टन रहेगा एस अली, कैप्टन रहेगा आई खान, उसके बाद टी जवेरी है ऑलराउंडर, आई खान ऑलराउंडर, कजमी ऑलराउंडर, और कंडला बॉलर, ए अरोरा बॉलर, आई त्रहार एक बॉलर रहने वाले दोस्तों। ये हो गए टीम्स के बाद, ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन मनी पे मिल जाएगा दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हो, फाइनल टीम टॉस के बाद मिल जाएगा। तो वीडियो ही ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने से पहले अपने इस चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग बहुत सारे रुपए अगर जीतना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन आपके वीडियो के नीचे है लाल कलर के, उसके साथ साथ ऐसे घंटे करके बेल आइकन आएगा दोस्तों, उसको भी दबाना होगा ताकि मैं जब वीडियो डाल दूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब के बटन आपने दबा दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले मैच से पहले, थैंक यू भाई, बेस्ट ऑफ लक।